हेलो दीदी है। आप उतरोगे? हेलो हेलो दीदी है। हेलो हेलो दीदी है। हेलो दीदी है। हेलो मैं कहाँ दीदी जल्दी है। उतारा हूँ यार, अभी के बोलने में ज्ञान भी ठीक है। दूसरे दिखे बोल लेना, तेरे मेरा तो तो नहीं डब्बा मैं ही कॉन्फिडेंस है बाकी बनाऊंगी। सब। नाम है प्रिंसेस, याद रखियो ठीक है। हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल? आई होप सभी बढ़िया होंगे, और अगर बढ़िया नहीं हो तो मैं सही बता रहा हूँ, ये गेम तो देख के पक्का बढ़िया हो जाओगे। अब यार मैं सही बताऊँ तो टॉक्सिसिटी का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई हो चुका है, क्योंकि भाई अब तक सिर्फ लौंडे धमकी देते थे भाई, अब लड़कियाँ भी आगे पीछे नहीं रहीं, आगे पीछे सॉरी पीछे नहीं रही भाई। अब यार मेरी गलती क्या थी? मैं सिर्फ इतनी गलती थी मेरी भाई कि मैं पानी पीने गलती चला गया था, मेरे को लगाई थी गलती से प्यास और मैं उतने में रिप्लाई नहीं कर पाया। अब मेरे को ऑल पर तो सब सुनाई दे रहा था, लेकिन उस टाइम पर मैं सुनने के लिए अवेलेबल नहीं था। अब ये चीज़ जब मैं वापस आया, मेरा टीममेट मेरे को बताता भाई ऐसी ऐसी बात है, आपको किसी लड़की ने धमकी दी। अब मैं मानने को राजी नहीं था, लेकिन फिर भी जब गेम खत्म हुई मैंने बाद में देखा भाई ये लड़की ने मेरे को धमकी दी है। खैर ठीक है, हम इस चीज़ पे ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सबको अपना बोलने का राइट है भाई, जिसको जो बोलना है बोलो। फिलहाल की बात करते हैं तो भाई बात इज्जत की थी भाई, देखते हैं भाई क्या सीन है, अपनी इज्जत बरकरार रही कि नहीं रहेगी वो तो आपको थोड़ी देर में पता चली जाएगा भाई। फिलहाल की बात करें तो हम कूदें भाई साहब नोवो, और देखो भाई सामने एक बंदा है। अब यहाँ पे स्कारल का स्प्रे और बंदा नॉक। खैर प्रोने छूट स्प्रे इतना सटी जाता है कि बंदा भाई बच नहीं सकता था। खैर फिलहाल जैसे ही बंदा मैंने नॉक करा भाई, मैंने स्प्रे कर दिया क्लोजिन, लेकिन यार उसका टीममेट उसके बगल में ही चिपक के बैठा होता है, तो भाई साहब रिवाइव तो उसे मिल ही जाना है। पर अच्छी बात है भाई रिवाइव मिल गया, लेकिन फिर भी खतरनाक बात ये देखो भाई, रिवाइव होने के बावजूद इसका बंदा क्या ही स्प्रे हगेगा अभी। अब यार यहाँ पे मेरे टीममेट का एक ही ओपी मेरी तरफ कवर फायर, और ये बंदा भी फिनिश। खैर मैं सही बताऊँ तो देखो आपका एम अच्छा होना चाहिए, आप कितना स्प्रे देते हो भाई वो बेकार है। अब यहाँ पे पहले वाले बंदे ने यही गलती करी कि वो लगातार स्प्रे देता हुआ चला गया, जबकि मैंने अपनी गोलियाँ एक दो सेकंड के लिए रोक ली थी, क्योंकि मुझे पता था भाई इसके नीचे से भाई पट्टे के नीचे गोलियाँ नहीं लगनी है, तो मैंने अपना स्प्रे रोका, मैंने अपनी एमओ बचाई, क्योंकि रिलोडिंग भाई बहुत ही वर्स्ट चीज़ है भाई, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर लगती बंदों के सामने तो भाई तुम गए काम से। खैर फिलहाल जो भी था हमने इस डो को निपटा लिया, और कोई यहाँ पे बंदा नहीं आता तो फटाफट अपनी अपनी गाड़ी उठाते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से और बंदों की तलाश में। और जैसे हम पोचिंग की पहुँचते हैं भाई, तुम देखो भाई तुम्हें पता है पोचिंग की में एक ना एक बंदा पक्का मिलेगा वो कैंप करते हुए। अब यहाँ से हम रवाना होते हैं। अब यहाँ पे बंदे ने बेशक अपनी फायरिंग रोक ली, और लेकिन हमें वजह मिल चुकी थी भाई पोचिंग की, मेरे को ने की और इस बंदे को पेलने की। खैर फिलहाल देखो बंदे की पोजीशन का तो मुझे आइडिया था कि भाई इसी ट्रिपल स्टोरी या फिर अगली ट्रिपल स्टोरी के आसपास से गोली चली है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, और जब मुझे सामने वाली ट्रिपल स्टोरी में कोई आर्ट नहीं आती है तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चल पड़ता हूँ। अब बंदा तो नहीं मिला, लेकिन उससे पहले भाई साहब एक बॉट मिल जाता है, तो यार केडी तो बढ़ानी है, तो मारा से पहले भाई खास डील है पबजी वालों का, तुम्हें क्या पता? मैं तुम्हें तो खैर मैंने बताया, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या पता। खैर फिलहाल देखो फटाफट अपना जायरो ऑन करा, एडवांस टेक्नोलॉजी तुम समझ रहे हो ना। अब इतने में बंदा भाई इस घर में होता है, लेकिन ये बंदा कर देता है भाई मेरे टीममेट पर रस। खैर अब देखो इसे कैसे निपटाएंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है, इस बंदे को निपटा दिया तो पोचिंग की जंग खत्म। नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, पोचिंग की इज इक्वल टू ढेर सारे घर, मतलब फाइट अवेलेबल एवरीवेयर, तुम समझ रहे हो, क्योंकि अपनी गाड़ी लेके जैसे हम यहाँ से रवाना होंगे भाई साहब स्क्वाड हाउस में बंदे आ चुके हैं। अब यार जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा था भाई बंदे का स्प्रे आया, तो मैंने फटाफट अपनी गाड़ी यहीं पे रोक ली और फटाफट एक ग्रेनेड कुक कर लिया, क्योंकि भाई एक बंदे को मैंने सीढ़ी पे जाते हुए ऊपर देखा था अभी। अब बीच में एक बॉट आ गया तो भाई केडी बढ़ाना तो भाई बहुत जरूरी है। खैर मैंने उस बंदे को मारा, और इसके बाद भाई मैंने फटाफट एक ग्रेनेड और कुक करा, लेकिन भाई जो कि यहीं पे गिर जाता है। इसके बाद मैं भाई रोन को बोलता हूँ भाई तू ऊपर जाके टीपीपी ले, मुझे पता है बंदे कहाँ पे रिवाइव दे रहे होंगे, तो मैंने फटाफट एक ग्रेनेड कुक करके और फेंक दिया। अब यार इन बंदों को तो बड़े प्यार से पेल दिया हमने ग्रेनेड ग्रेनेड से और लगे हाथ, और फटाफट अपनी केडी फिर से बढ़ाई और रवाना हो लिया और बंदों क्लास में। खैर इसके बाद अब तुम देखो भाई रोजॉक हिल पे हमें भाई साहब एक बंदा पहले से स्पॉट जाता है, और इतने में हम क्लोजिंग करने जा रहे होते हैं भाई, ये बंदे यहाँ से रवाना होने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन भाई हम इन्हें कहीं जाने देंगे। अब यार पहला बंदा प्रोन डाउन हो गया, तो मुझे एकदम से लगा कि वो नॉक हो चुका है, तो मैंने तुरंत ही अपना स्प्रे चेंज करा, लेकिन भाई साहब वो बंदा भाई जानबूझ के प्रोन हुआ था। खैर जो भी था, जब मुझे पता चला भाई साहब वो नॉक नहीं हुआ है, तो मैंने वापस उसे पेल दिया, और इसके बाद भाई साहब इस डुओ का भी हमने सफाया कर दिया। अब हम ज़्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत ही अपनी गाड़ी उठाई, यहाँ पे स्पॉट करा कोई हमें नहीं दिखा, तो फटाफट अपनी गाड़ी उठा के फिर से रवाना हो लिया भाई साहब और बंदों क्लास में। अब हम चले आते इस तरफ, अब तुम्हें भाई साहब एक मूवमेंट दिखाने वाला हूँ जहाँ पे भाई तुम्हारा भाई क्या ही ड्रॉप शॉट मारेगा। बस तुम देखो सामने से गाड़ी आ रही है, और अब देखो कमाल
अब तुम पहले तो मुझे ये बताओ क्या ये ड्रॉप शॉट अच्छा था, और अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो सही बता रहा हूँ भाई, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है गाइस, मैं सही बता रहा हूँ। और भाई इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रखा गाइस, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन, प्लीज मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो और दिल से रिक्वेस्ट है। और ये आज तुम सोच रहे होगे बीच में प्रमोशन कैसे गाइस, इसलिए क्योंकि भाई ज़्यादातर बंदे भाई लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, तो सोचा यहीं पर कर दूँ, बता दो बंदों को। और एक चीज़ मांगूंगा वो ये है कि भाई वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि भाई जो अमेजिंग सीन्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग या बीच में आपको देखने को मिल जाए, कुछ खतरनाक से सीन भाई वो लास्ट में भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या फिलहाल की बात करते हैं, हम चले आते हैं ड्रॉप की तरफ। अब भाई यहाँ पे क्या सीन होता है भाई, लेफ्ट में बंदे होते हैं और जैसे ये बात मेरे को पता चलती है भाई मेरे हाथ डगमगा जाते हैं और भाई गाड़ी ठुक जाती है पत्थरों पर। और अब देखो भाई यहाँ से क्या ही बचेंगे हम। अब यार यहाँ पे हम फंस चुके थे बहुत ही गलत, मैंने फटाफट अपनी गाड़ी फोड़ी और अपने टीममेट को बोला स्मोक करें, लेकिन जितने में भाई साहब हम स्मोक्स वगैरह कुछ भी करते हैं भाई, इतने में बगल से गाड़ी एक और निकलती है। अब यार फट के चार हो चुकी, क्योंकि सामने से लगाता है ग्रेनेड्स वगैरह हो रहे थे और पीछे से भी अगर कोई मारना शुरू करते भाई तो गेम यहीं पे खत्म। लेकिन मैंने फटाफट एक ग्रेनेड कुक करा और इसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं अब करूंगा आगे की तरफ पुश। अब ये ग्रेनेड तो वैसे कुछ काम नहीं आया, लेकिन इस बीच में भाई मैंने फटाफट पुश कर दिया, मैंने कहा पीछे वाले बंदों से अच्छा है भाई आगे वाले बंदों पे पुश कर दो, क्योंकि भाई लड़ने का मौका तो मिलेगा हमें। तो हमने देखो भाई साहब इन पे कर दिया डायरेक्ट पुश। और अब देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, अब यार यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया और दूसरे बंदे को काफी हद तक लेट करा था, लेकिन भाई साहब बंदे अच्छे थे तो भाई उनने मेरे को नॉक कर दिया। मेरे दिक्कत वाली बात कोई थी नहीं, मेरा टीममेट मेरे पीछे ही था, उसने मेरे को बड़े प्यार से कवर फायर दिया और भाई यहाँ पे बचा लिया। खैर फिलहाल देखो मैंने फटाफट जैसे हील वील करी, बूट शूट फुल करा, हमने डिसाइड करा कि हम यहाँ से निकलते, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई एंगल हमें नहीं बनेगा और अदरवाइज अगर यहाँ से जोन हटी तो बाद में निकलना ऐसे मुश्किल हो जाएगा। तो फटाफट अपने बिना स्टेपनी यूज करे भाई हमने एक अपना पंचर टायर के साथ अपना गाड़ी यहाँ से निकाल ली। और अब भाई वो नजारा आने वाला है जिन मैडम ने हमको स्टार्टिंग में चैलेंज दिया था, वो और उसका टीममेट भाई इन्हीं घरों में होता है जो कि होल्ड कर रहे होते हैं यहाँ पे। अब हम जैसे यहाँ से निकलते हैं भाई साहब, ये देखो सबसे पहले तो भाई इनका भाई बड़ा गंदा स्प्रे भाई, सही में 50 HP पे लाके छोड़ा मेरे को। खैर फिलहाल देखो मैंने अपने फटाफट टीमर से बोला तू मेरे को कवर दे, इतने में फटाफट हील कर। अगला बंदा ही भाई साहब बहुत सातिर था, मैं सही बता रहा हूँ भाई। अभी देखो हम यहाँ पे हील कर रहे हैं भाई, बंदा आ चुका है इस छत पे भाई साहब बड़े प्यार से बैठा है, ठीक है। तो भाई बंदे की फुर्सत तो मेरे को आई गई, तो मैंने फटाफट एक ग्रेनेड कुक करा और अब देखो फुल कुक्ड ग्रेनेड, बेशक बंदा नॉक नहीं होगा लेकिन भाई डैमेज तो बहुत हो जाता है। अब भाई जैसे मैं अंदर की तरफ आता हूँ भाई बंदा लिट हो चुका था, तो भैया करता हील और उसके साउंड मेरे को आए आते, तो भाई बड़े प्यार से मैंने से पेल दिया और तुरंत ही फिनिश भी कर दिया। खैर इसके बाद मुझे नहीं लगा था कि भाई इसका और टीममेट यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर होता तो बड़े प्यार से हमसे फाइट लेता। लेकिन भाई अभी तुम देखो चमत्कार ही होने वाला, देखो मैं जाता हूँ भाई बड़े प्यार से भाई इस बंदे को लूटने के लिए। और जैसे मैं अभी लूट लूट कर रहा होता हूँ भाई, मेरा टीममेट नॉर्मली जो है भाई अगले घर में चला जाता है, नॉर्मली मतलब ऐसे ही भाई घर बगल में है तो टहलने चला गया भाई हैंगिंग गार्डन समझ के। लेकिन भाई साहब अभी देखो इसके बाद भाई साहब यहाँ पे क्या हादसा होने वाला है। अब यार पहले तो मुझे लगा इसे कहीं दूर से बड़े, लेकिन भाई साहब जैसी भाई पता चला बंदा पास में ही है भाई, मैं शॉक हो गया। और अब देखो भाई यार ये वही प्रिंसेस थी जिसने मेरे को स्टार्टिंग में भाई धमकाया था, अब मतलब नाम से तो सेम था 97 वैसा उसने नहीं बताया, लेकिन भाई प्रिंसेस तो प्रिंसेस। खैर इसके बाद भाई फटाफट अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ, बदला यहाँ पे पूरा हो चुका है गाइस, और आई डोंट नो ने कुछ बोला कि नहीं बोला। खैर इसके बाद मैं फटाफट इस तरफ आता हूँ भाई, मेरे को यहाँ से भाई फायरिंग साउंड आते हैं और इससे इतना कन्फर्म हो चुका था ये जो बचे कुछ दो बंदे भाई अलग अलग स्क्वाड के हैं। तो यार मैं फटाफट इस तरफ निकल लेता हूँ बंदे स्पॉट करने के लिए, लेकिन भाई इतने भाई मेरा टीममेट बोलता है भाई ओपन में मत जाओ, आराम से गाड़ी गुड़ी लेकर चलते हैं, इनकी गाड़ी है यहाँ पे अवेलेबल। तो हम इनकी गाड़ी उठाते हैं फटाफट और चल पड़ते हैं भाई आगे की तरफ। अब जैसे ही मैं आगे आता हूँ भाई मुझे दिख जाता है यहाँ पे स्मोक और लगे बंदा बीस पड़ जाता है। अब यार हमें तो इसकी पोजीशन पता थी, लेकिन शायद इसने भाई ईयरफोन नहीं लगा रखे तो भाई इससे साउंड नहीं आई, पीछे से गाड़ी आ चुकी है। और अब देखो गजब का ग्रेनेड, खैर उसने मेरे को बेशक बनच भी छोड़ा लेकिन भाई साहब उसका खोपड़ा हमने ही फोड़ा। खैर यहाँ पे हमने उस बंदे को बड़े प्यार से पेल दिया और फटाफट हील करी, और जो लास्ट बंदा होता है भाई वो फाइट नहीं लेना चाह रहा होता है, वो रैंक पुश कर रहा होता है तो हमसे वो भाई उछलता है। तो पहले लगा भाई साहब फैन मीटअप होगा, लेकिन यार कहाँ अभी इतने फैन फॉलोइंग कहाँ। खैर फिलहाल जो भी भाई अगले बंदा आता है मैं थोड़ी बातचीत करता हूँ और उसे बोलता हूँ भाई अभी रैंक पुशिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बोलता है मैं प्लेटिनियम पे हूँ और मुझे कॉन्करर जाना। तो मैंने बोला भाई रुक जा थम जा, अगले सीजन सोलो में पुश कर लिया, अगर तेरे कैंप करके
खेलना है, क्योंकि भाई डुओ में भाई ऐसे भाई अकेले पुश करना नामुमकिन होता है, क्योंकि अदरवाइज आपके साथ एक प्लेयर नहीं हो वो भी आपके बराबर का या फिर आपसे अच्छा, तो ही आप कॉन्कर पुश कर सकते हो, और ऐसे तो कोई मतलब नहीं है। फिलहाल देखो भाई इसके बाद भाई हम थोड़ी बातचीत करते हैं, और ये मेरे से बोलता है भाई चलो पैन फाइट करते हैं, तो मैंने कहा चलो भाई आ जाओ पैन फाइट करते हैं, और अब देखो एक गजब की पैन फाइट। रोको भाई, हाँ स्टार्ट। ओ भाई पैन फाइट के साथ फाइनली हो चुका है एक और विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस गेम प्ले कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो अपना प्यार दिखाओ। गाइस इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, स्टे होम स्टे सेफ गाइस। अब तो खैर सबको सेफ ही है, लेकिन फिर भी ख्याल रखो अपना।